देख रहे हैं वकील लेन बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महिला के 26वें हफ्ते में उसको अबॉर्शन करते वक्त मामले को कंसिडर किया और फैसला बड़ी बेंच को सौंप दिया। यह निर्णय तब आया जब एक जज ने महिला के निर्णय को मान्यता दी, जबकि दूसरे जज ने फीटस के जीवन की संभावना को देखते हुए इसकी अनुमति नहीं दी। वेडनेसडे को जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, जिसमें यूनियन ने ऑर्डर के खिलाफ आवेदन दाखिल किया था, जिसमें एक 26 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला को गर्भपात की अनुमति दी गई थी। जस्टिस हीमा कोहली ने कहा कि उनकी न्यायिक अंतरात्मा उन्हें फीटस के जीवन की संभावना के माध्यम से गर्भपात की अनुमति देने की अनुमति नहीं देती, लेकिन जस्टिस बीवी नागरथ ने कहा कि उन्हें कोर्ट के पहले दिए गए अच्छी तरह से वेल रीजन्ड ऑर्डर में कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है, इसलिए इंटरफेरेंस नहीं करनी होगी। इस विचारधारा में मतभेद के चलते मामला एक बड़े बेंच को सौंप दिया गया। भारत में गर्भपात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के हिसाब से महिलाएं 20 हफ्ते तक गर्भपात करवा सकती हैं, लेकिन डॉक्टर निखिल डी दातर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जैसे लैंडमार्क केस ने इस सीमा को 24 हफ्ते तक बढ़ाने की मांग की थी। अब कुछ लोगों का कहना है कि 50 साल पुराने कानून को अपडेट करो, जबकि कुछ सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन याद रखना एंड में ये महिलाओं का शरीर है, महिलाओं को ही फैसला दिया जाएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत एक महिला को कुछ निर्धारित स्थितियों में गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात के मामले में मतभेद, मुझे लगता था कि ये एक नए रियलिटी शो का प्लॉट है, जज का डिसीजन बेबी या नो बेबी। लेकिन सच में हमें समझना चाहिए कि ये महिलाओं के शरीर और उनके अधिकारों का प्रश्न है और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार पूर्ण तरीके से होना चाहिए। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट से ही हाल में एक निर्णय में कहा कि भारतीय समाज में विवाह को पवित्र माना जाता है और इसके लिए विवाह के इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, बेसिकली जो होता है जिसके ऊपर तलाक दिया जाता है, हमेशा इच्छित नहीं होता। ये मामला एक पति के तलाक की मांग है, जिसका तर्क था कि उनका रिश्ता इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन की स्थिति में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह को भारतीय समाज में एक पवित्र बंधन माना जाता है। विवाह के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13(1)(a) में क्रूअल्टी और डिजर्शन जैसे ग्राउंड पर तलाक भी दिया जा सकता है, लेकिन इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को अभी तक किसी भी अधिनियम में तलाक का ग्राउंड नहीं माना गया। क्या आपको पता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत विवाह को एक धार्मिक और एक सामाजिक बंधन माना जाता है, जिसे सप्तपदी या सात फेरों के माध्यम से मजबूत किया जाता है। विवाह और इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, भाई मेरा वाईफाई भी कभी कभी इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन में चला जाता है, लेकिन मैं राउटर को रीसेट कर देता हूँ। शायद विवाह में भी ऐसे रीसेट बटन की जरूरत है आज के टाइम पे। अगली खबर में बढ़ते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको खारिज करा गया, जहां मांगा गया था कि मथुरा के ईदगाह मस्जिद को हटाकर कृष्ण जन्मभूमि स्थल को पुनर् तरीके से स्थापित कर दिया जाए। ये जनहित याचिका दावा करती थी कि मॉस्क को जन्मभूमि स्थल पर अवैध रूप से बनाया गया है, लेकिन कोर्ट ने तय किया कि इस मामले में पीआईएल का मार्ग सही नहीं है। जब हम इस मामले को गहराई से देखते हैं तो हम इसे समझने की जरूरत मांगते हैं कि यह मामला सिर्फ एक धार्मिक स्थल के अधिकार का नहीं है, बल्कि ये भारत के धार्मिक इतिहास और सामाजिक मूल्यों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को छूता है। मथुरा, जो कि श्री श्याम लॉर्ड कृष्ण के जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, उसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इस जगह पर बनाए गए ईदगाह मॉस्क और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर सामुदायिक संवेदनाएं छिड़ी हुई हैं। ऐसे में किसी भी फैसले को लेने से पहले उस सामाजिक और धार्मिक प्रभावों को समझना बेहद जरूरी है। कुछ पुराने दस्तावेज बताते हैं कि इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था आज से कुछ 70-80 साल पहले, जिसके तहत ये स्थल सामाजिक समरस्त के लिए छोड़ दिया गया था। मथुरा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है, जो पूरी दुनिया में लॉर्ड कृष्ण की जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों यात्री आते हैं। मथुरा के ईदगाह मॉस्क और कृष्ण जन्मभूमि के बीच एक लड़ाई, मुझे लगता है कि हमें एक नया रियलिटी शो मिल गया, धार्मिक गॉट टैलेंट, जहाँ पर हर धार्मिक स्थल अपनी कहानी सुना सकता है और पब्लिक वोट डिसाइड करेगी कौन जीतेगा। केरला हाईकोर्ट से अगली खबर, जहाँ पे केरला हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक व्यक्ति को उसके बलात्कार के आरोप में एंटिसिपेटरी बेल नहीं प्राप्त होगी, सिर्फ इस आधार पे कि वो आदमी 18 साल का ही था या उससे कम का था। जस्टिस पी गोपीनाथ ने ये फैसला लिया कि आरोपित को बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उम्र केवल एक पहलू है और इसके अधिक महत्वपूर्ण हैं जो समाज में ऐसे चीज़ों का गलत प्रभाव डालते हैं।
कोर्ट ने यह भी सुना कि दोनों की सम्मति से संबंध थे दोनों के बीच। लड़की के माँ बाप ने FIR दर्ज करवाई जब उन्हें पता चला कि बेटी प्रेग्नेंट है। भारत में बलात्कार के आरोपों में बेल प्राप्ति एक बहुत ही मुश्किल चीज है। सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड बलात्कार को सजा देने का प्रावधान करता है, लेकिन जब सम्मति से संबंध का मुद्दा होता है तो न्यायालय को हर एक मामले को व्यक्तिगत रूप से देखना पड़ता है। सेक्शन 376 में सजा 7 साल से बाउम्र कैद हो सकती है। 18 साल का होने का मतलब अब ये नहीं कि आपको अडल्ट डिस्काउंट में मिलेंगे, खासकर जब आप गलत काम करने में लगे हो। कुछ चीजें सिर्फ उम्र की नहीं, आचरण से तय होती हैं। अगली खबर में बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक मैटर में, जहां पे ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे और पीपल ऑफ इंडिया के बीच में एक स्टोरी टेलिंग कॉपीराइट केस आया। मामला यह है कि एक कंपनी ने दूसरी के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का तर्क था कि पीपल ऑफ इंडिया उनके स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन स्टाइल को कॉपी कर रहा है, जो कि उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने यह फैसला किया कि बस एक समान फॉर्मेट या प्रेजेंटेशन स्टाइल के आधार पर किसी को कॉपीराइट का उल्लंघन या दोषी नहीं मान सकते। जज ने कहा कि स्टोरी टेलिंग एक पुरानी कला है और इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। दोनों प्लेटफॉर्म्स अलग अलग कहानियां शेयर करते हैं और उनका मकसद भी अलग है। बताना चाहूंगा, कॉपीराइट एक लीगल टर्म है जो ओरिजिनल क्रिएटर्स को उनके क्रिएशन पर एक्सक्लूसिव राइट देता है, लेकिन ये राइट्स कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद हर देश के लॉज अलग होते हैं। स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म जैसे ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, पीपल ऑफ इंडिया सोशल मीडिया पर कहानी को शेयर करने का एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन को कॉपीराइट में लाना कितना मुश्किल है? अक्सर कोर्ट्स को ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या एक स्पेसिफिक फॉर्मेट या स्टाइल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है या नहीं, तभी ये मुद्दा उठता है। और दो सिमिलर प्लेटफॉर्म्स के बीच में कुछ भी अगर सिमिलैरिटी होती है, वो दिखाई देती है, तो कोर्ट इसमें आता है। लेकिन ये भी सच है कि स्टोरी टेलिंग के कई रूप होते हैं और हर एक स्टोरी टेलर अपनी एक यूनिक स्टाइल से स्टोरी को सुनाता है और पर्दे पे लाता है। इस केस में कोर्ट ने ये समझा कि दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में कुछ समानता है, लेकिन वो इतनी नहीं कि दूसरे को कॉपी करने का आरोप लगाया जा सके। भैया, अगर स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में कॉपीराइट लग जाए तो हमारे सारी दादी नानी को कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमें एक कहानी कितने अलग अलग तरीके से सुना दी थी, तो शायद उनको अपने ऊपर भी खुद केस करना पड़े। अगली खबर में सिक्किम हाईकोर्ट ने एक सिख सामाजिक संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। इसमें उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य धार्मिक सामग्री को गुरुद्वारे में पुनः स्थापित करने की मांग की थी। ये याचिका तब दाखिल की गई जब गुरुद्वारे के प्रशासन ने कुछ धार्मिक सामग्री को सुरक्षित स्थल पर रखने का फैसला लिया था। कोर्ट ने यह तय किया कि मामला धार्मिक समुदाय के अंतर्गत आता है और इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस केस में भी सिक्किम हाई कोर्ट ने यह तय किया कि गुरु